ने मुंगावली उपचुनाव में कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि कांग्रेस ने 700 से अधिक चार पहिया वाहनों को पूरे मुंगावली में झोंक दिया है। ये गाड़ियां पूरे मध्य प्रदेश से लाई गई हैं। इन गाड़ियों की कोई अनुमति जिला चुनाव अधिकारी से नहीं ली गई है। साथ ही कहा गया है कि इन गाड़ियों में वो लोग हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग से आए हैं और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये लोग मतदाताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। इसलिए जो चीजें जनादेश के लिए नहीं होना चाहिए, आचार संहिता का 12 से रात को 3 बजे तक उल्लंघन होता है, वो गाड़ियां पकड़ी जानी चाहिए। और ये काम जो भी, और दूसरा क्या, ये ताव दिला रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, जाके ताव दे रहे हैं, ये निकलेगा तो ये हो जाएगा। हमने भी कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि जनादेश के लिए प्यार मोहब्बत की लड़ाई लड़िए, डरना किसी से नहीं है, क्योंकि हम भी राजनीतिक दल में, हम सरकार में है, उसके बाद इतनी गाड़ियां घोड़े नहीं घोड़ दौड़ा रहे। और मेरी गाड़ी है, पार्टी ऑफिस की गाड़ी लेके आया हूं मैं, दोनों जगह के परमिशन है हमारे, परमिशन अध्यक्ष जी है, परमिशन की गाड़ी पे जो भी हमारे यहाँ है। अगर बिना परमिशन के गाड़ियां घूमेंगी तो कैसे काम चलेगा? और ये नया तरीका जो था दुनिया का, रात को 12 से 3 प्रचार,